की आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में और ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये धनवंती चंदेला जी का ऑफिस है। देख सकते हैं रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये धनवंती चंदेला जी का ऑफिस बना हुआ है। धनवंती चंदेला यहाँ से MLA हैं आम आदमी पार्टी से, और आपको बता दें मीटिंग रखी गई थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित थे। उनके रख रखाव को लेकर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, और उनके अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसको लेकर यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। सब कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ संदीप चौहान। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विधायिका श्रीमती धनवंती चंदेला जी, आइए जानते हैं जैसे कि रजौरी गार्डन में और शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया किया जाए इनके क्षेत्र में, तो उसके लिए यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, और आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। मैम नमस्कार। मैम आज क्या कुछ एड्रेस किया गया, कुछ बताएंगे? आज स्कूलों की SMC की मीटिंग थी। जो पहले मेंबर थे उनको हटा के नए मेंबर बनाए गए हैं। कुछ मेंबर पुराने भी हैं, कि जो पुराने मेंबर थे वो काम नहीं कर पा रहे थे स्कूलों में, जो स्कूल के काम होने चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे। अब नई कमेटी बनाई है, तो नई कमेटी अब देखो कल से ये सब लोग काम करेंगे स्कूलों में। और ये कोऑर्डिनेटर प्रिया को बनाया गया, तो ये हम पूरी रिपोर्ट हमें देंगे। अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं थी। तो मैम जैसे कि प्रतिनिधि बना रहे हैं आप लोग, MLA प्रतिनिधि बना रहे हैं, और CM रिप्रेजेंटेटिव भी हमने देखा जो कि स्कूल से जुड़कर काम करते हैं, चाहे वो अस्पताल हो स्कूल हो। तो मैम अब तक आपके क्षेत्र में जो CM रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर MLA रिप्रेजेंटेटिव हो, तो कितने बनाए जा चुके? सोशल वर्कर होते हैं और MLA रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। MLA रिप्रेजेंटेटिव, तो वो सारा स्कूल का लेखा जोखा देखते हैं। हाँ जी। लाइक उसमें क्या क्या काम आपके अंतर्गत आते हैं? स्कूल के जितने भी काम होते हैं, पानी का काम हुआ या कोई डेस्क भी हुए या फर्नीचर हुआ, गेट हुआ, गेट कीपर तक, एवरीथिंग। अगर हमारे स्कूल में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, और हमारा जैसे लाइक डेवलपमेंट का कोई काम है, और स्कूल में छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम है, तो वो सब हमारे द्वारा आगे जो बिल बनते हैं वो हमारे थ्रू ही पास हुआ करेंगे। तब तक जब तक हम लोग उन पे साइन नहीं करेंगे तब तक वो पास नहीं हो सकते। और जब हम उनका पूरा निरीक्षण कर लेंगे, पूरा एग्जामिनेशन के बाद हम जब साइन करेंगे तो आगे जाके वो बिल पास हुआ करेंगे। मतलब वो उसका सारा लेखा जोखा आप लोग देखते हैं, आप लोग जैसे कि MLA आप लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो पहले आप सारी रिपोर्ट बना के MLA साहब को भेजते हैं? हमारे पास इतना है कि हमें ये बोला गया है कि आपको सिर्फ स्कूल का निरीक्षण करना है। जी। जो काम हमें जब मीटिंग होगी हमारे स्कूल के अंदर, हमें बताए जाएंगे कि ये काम है मैम और ये कराने हैं स्कूल के अंदर। पहले हम उनको भेजेंगे पास होने के लिए, वो पास होके आएंगे, उसके बाद वो काम हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा एग्जामिन करेंगे काम हुए हैं या नहीं हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए आफ्टर देन जब वो काम अच्छे से होंगे, उसके बाद हमारी एक पूरी 12 मेंबर्स की 15 मेंबर्स की टीम बनती है, 16 मेंबर्स की। 16 मेंबर की टीम है जो कि MLA के अंतर्गत काम करेगी सारी हर स्कूल के अंदर, जिसमें 12 पेरेंट्स होते हैं। हर 12 जो बच्चे होंगे स्कूल के उनके पेरेंट्स होंगे। अच्छा, अभिभावक ही इसमें अपना रोल निभा रहे हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और 2 होंगे हमारे जो सोशल वर्कर के मैनेजमेंट में हेड होंगे वो, और 1 होगा हमारा जो MLA रिप्रेजेंटेटिव है। 1 स्कूल का प्रिंसिपल होगा और 1 जो उनके नीचे टीचर कम्युनिकेटर जो होगा कोऑर्डिनेटर वो करेंगे। तो मैम ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी देखेंगे या फिर जैसे कि क्लासेस में किस प्रकार से जो क्लासेस ली जा रही है, जैसे कि स्मार्ट क्लास का भी बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है, तो क्या वो भी उसमें भी आप लोग देखेंगे? सब कुछ। जी जी। आप जो स्कूल में A से लेकर Z तक जितने भी कार्य किए जाते हैं सभी को हमें अच्छे से निरीक्षण करना है, और जब अगर स्कूल में अच्छा काम हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसको भी हमें ध्यान रखना है, और सही हो रहा है तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। मेन लाइक गेट से लेकर आप हमारा शुरू काम हो जाएगा, जो हमारा स्कूल का मेन गेट होता है ना, उससे हमारा काम शुरू होगा और स्कूल के ऑफिस तक हमारा काम होगा, बच्चों के क्लास से लेकर टॉयलेट्स तक हमारा काम होगा, सभी कार्य हमें करने हैं। मैम जैसे कि अभी पिछले दिनों राजनीति हुई थी, BJP लगातार आरोप लगा रही थी कि स्कूल इतने बने नहीं हैं, पुराने स्कूलों में ही थोड़ी क्लासेस बढ़ा दी गई है, तो क्या कुछ आरोपों का खंडन करेंगे? नहीं, जितने भी देखो मेरी विधानसभा के अंदर 15 स्कूल हैं, तो 15 स्कूल भी न्यू बने हैं काफ़ी स्कूल, क्योंकि क्लासें बढ़ाई गई हैं, तो जगह है तभी तो क्लासें बढ़ाई गई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल को तोड़ के बनाया गया। टॉयलेट्स को भी लेके कह रहे थे कि टॉयलेट्स भी गिनती में आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो क्लास स्कूल में जो
कमरे बने हैं सभी स्कूलों में नए कमरे बने, और मैं आपको डिटेल भी दे दूँ। खैर अभी डिटेल मेरे पास नहीं है कितने हमारे विधानसभा में कितने कमरे स्कूलों में बने हुए हैं, कितने ऑफिस बने हैं, कितने टीचर ऑफिस बने हैं, सब मैं आपको डिटेल दे दूँ। जब कभी मैम आप निरीक्षण के लिए अपने स्कूल में जाएं तो कृपया करके हम भी आपके साथ होंगे, और बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि स्कूलों को लेके एक यहाँ पे गठन किया गया था मीटिंग का, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे एमएलए रिप्रेजेंटेटिव, और वो जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो स्कूल आ रहे हैं उनको, जैसे कि उनके एजुकेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी जो कि अब सफल रही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे एकत्रित हुए और फैसले लिए गए नए नए। नमस्कार, मैं प्रिया चंदेला, मैं वार्ड 8 से काउंसलर हूँ। अच्छा, यस, और मुझे मेरी विधानसभा से SMC का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, और मैम हम आपको शुभकामना देते हैं निगम चुनावों में आप विजयी रहे, कि जो आने वाले जो निगम चुनाव है आप जैसे ही, जैसे कि सुलझे हुए पढ़े लिखे निगम पार्षदों की जरूरत है हमारे क्षेत्र को, कि शिक्षा को लेके यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें दयानंद चंदेला जी भी उपस्थित थे, धर्मवंती चंदेला जी भी उपस्थित थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारी से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, और जैसे कि काउंसलर की दावेदारी के लिए प्रिया चंदेला जी भी यहाँ से दावेदारी कर रही हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कितनी संजीदा है शिक्षा को लेकर, और सभी क्षेत्रवासी भी उनके साथ हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी साथ में हैं, और जो रोजरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो स्कूल आ रहे हैं उनमें क्या कुछ नया किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पढ़ाई को लेके, पढ़ाई के क्षेत्र में लेके, इस यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई और मीटिंग वो सफल रही, इसके बारे में जानकारी दी श्रीमती धर्मवंती चंदेला जी ने, जो कि विधायक है रोजरी गार्डन से। तो आप देख सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, और इनके साथ ही मीटिंग रखी गई थी, और ये सारा लेखा जोखा रखते हैं रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो स्कूल्स हैं उनका पूरा लेखा जोखा ये लोग रखते हैं, ज़मीनी स्तर पर ये लोग काम करते हैं। तो अपने चैनल के माध्यम से जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है, इनकी मेहनत पता चलती है वहाँ पर। तो आपको दिखा दें, ये वो चेहरे हैं जो कि विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जो समस्याएँ हैं, जो क्षेत्रवासी की जो समस्याएँ हैं उनका निदान करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि धर्मवंती चंदेला जी से हमारी बात हुई थी, धर्मवंती चंदेला जी ने बताया कि उनके अंतर्गत जितने भी स्कूल आ रहे हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम किया जाएगा, पढ़ाई को लेके काम किया जाएगा, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस हैं उनको और दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस, जैसे कि आपको बता दें कोरोना काल में स्मार्ट क्लासेस का बहुत ही अपना एक महत्व रहा है, और अब जब ऑफलाइन हो गया है तो उसके बाद भी स्मार्ट क्लासेस जारी हैं, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सरकारी स्कूलों में भी। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो सरकारी स्कूल आ रहे हैं उनको एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है, और कई हद तक दिल्ली सरकार उसमें सफल भी हुई है। और आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी दिल्ली सरकार का इस बात को लेकर डंका बजा था, दिल्ली सरकार ने एजुकेशन को दिल्ली में बहुत ही अच्छे स्तर पर ले आए हैं, के अंतर्गत जो स्कूल है उनमें अब जो एजुकेशन है बहुत ही अच्छे स्तर पर हो रही है, और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ही पढ़े लिखे आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इस बार की जानकारी दी हमें धर्मवंती चंदेला जी ने। और हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।